हेलो गाइस, आज मैं आपको ओम्स ला और ओम्स ला से रिलेटेड कुछ जो एसेंशियल टर्म है वो आपको क्लियर करूंगा। तो टॉपिक तो है और इससे रिलेटेड एक टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं वीडी से। आपको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करते हैं और इनका कोलिजन भी होता है पॉजिटिव आयन से। तो लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज यू वन ड्यू टू एक्सेलरेशन स्मॉल ए एट एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी वन इन टाइम इंटरवल। इसमें जो टाइम इंटरवल होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, वो है आपका टू वन। और आपको मोशन का फर्स्ट इक्वेशन तो मालूम ही है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहां पे हो जाएगा v1 इज इक्वल टू यू वन प्लस ए टू वन। आपको ये भी अभी बताया था मैंने कि ये कोलिजन होता है इनका, तो जो सिमिलरली जो अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी उनका इसी टाइप से उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 इज इक्वल टू यू टू प्लस ए टू टू। इसी टाइप से अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो m है तो ये इक्वेशन आपकी इसी टाइप से सिमिलरली होगी। तो जो nth इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी vn इज इक्वल टू यू एन प्लस ए टू एन हो जाएगी। और आप फाइंड आउट कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, आप फाइंड आउट कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी जो होगी वही जो वेलोसिटी आपकी आई है वी वन वी टू एंड सो ऑन वी एन, इसकी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी वन प्लस वी टू एंड सो ऑन वी एन अपॉन एम। आप यहां पे वी वन वी टू की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से, v1 की जगह लिख देंगे u1 प्लस a टो वन, v2 की जगह u2 प्लस a टो टू एंड सो ऑन un प्लस a टो n अपान n। इसमें से आप u1 u2 un u1 प्लस u2 एंड सो ऑन un अपान n अलग कर लेंगे। अब आपका बचा a टो वन प्लस a टो टू, इसको आप इसमें से अगर आप एक कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका टो वन प्लस टो टू एंड सो ऑन टू एन अपॉन एन। आपको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन है वो जब उनके फ्री मोशन होते हैं तो ये क्या होते हैं हर एक डायरेक्शन में होते हैं, इनके डायरेक्शन जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो एवरेज जो वेलोसिटी इनकी आएगी वो क्या होगी जीरो हो जाएगी। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है, ये जीरो हो जाएगी प्लस ए। और ये जो आपका टो वन प्लस टो टू एंड सो ऑन टो एन अपॉन एन है ये है मीन रिलैक्सेशन टाइम। इसको डिनोट करेंगे, इस पूरे को डिनोट करेंगे टो से, तो ये हो जाएगा ए टो। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू ए टो। अब लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं वी डी इज इक्वल टू ए टो। नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स ला। मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि ओम्स ला और इससे रिलेटेड टर्म बताएंगे, तो अभी आपने समझा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स ला। लेट द लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर इज स्मॉल एल। मेटेलिक वायर है जिसकी लेंथ जो है वो स्मॉल एल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कैपिटल ए है। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कैपिटल ए है और इसके जो इंग्स हैं उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका वी है। और इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम इट एक्सपीरियंस्ड एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। आपको मालूम है f इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, f इज इक्वल टू
m into a होता है तो a is equal to क्या होगा f upon m, और आपको मालूम है f is equal to होता है e into e, इसके प्लेस पे आप e into e लिख देंगे upon m, और e is equal to होता है v upon l, तो ये हो जाएगा ev upon lm। ये आ गई इक्वेशन वन। नाउ आपने अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव किया था, नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू a टो, ये हो गई आपकी इक्वेशन टू। एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो है I is equal to NEA VD। इस इक्वेशन से भी आप VD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। VD is equal to I upon NEA, ये हो गई इक्वेशन थ्री। आप देखिए इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री का LHS जो है वो सेम है, LHS आपका सेम है, तो RHS भी आपका सेम हो जाएगा। A2 is equal to I upon NEA, और a की वैल्यू आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, a इज इक्वल टू ईवी अपान एल एम, ए के प्लेस पे लिख देंगे ईवी अपान एल एम इज इक्वल टू आई अपान एन ई ए। अब देखिए यहां पे v आपका इस साइड में है पोटेंशियल डिफरेंस, ये i आप इधर अपर साइड में है, इसको एलजेस में ले आएंगे नीचे आ जाएगा, और Lm को उधर ले जाएंगे, ये आपका Lm आ गया अपान, और बाकी आपका V तो इधर है और ये E इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा N E की से मल्टीप्लाई होगी N E square A2। आपको मालूम होना चाहिए किसी वायर के लिए उसकी जो लेंथ है जो आपने ली है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्रॉस सेक्शन एरिया और मीन रिलैक्सेशन टाइम, ये सब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब एल एम अपान एनी स्क्वायर ए टो का कैलकुलेशन जो होगा ये भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो वी अपान आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी को आप क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस आर, ये इट इज ओम्स ला, ओके। हाँ साथियों, आपने अभी देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में जो रिलेशन है VD इज इक्वल टू ए टो, टो यहां पे है रिलैक्सेशन टाइम और VD जो है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहला प्रूफ आपने ये देखा। दूसरा आपने प्रूफ जो है ओम्स ला का देखा, ठीक है। अब आपको इसी से रिलेटेड, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है रिलेटेड होता है ओम्स लॉ, तो एक क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड करंट डेंसिटी जी। किस तरीके से ओम्स लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई और करंट डेंसिटी जे में रिलेशन जो है फाइंड आउट करेंगे, तो आंसर में देखिए बाय ओम्स लॉ क्या था, आर इज इक्वल टू वी अपान आई इज इक्वल टू
V upon I is equal to Ln upon Ne square A2. ये भी आप रिजल्ट लाए थे ओम क्लास में, उसी से रिलेटेड टॉपिक है. आज सारे टॉपिक ओम क्लास से रिलेटेड ही हैं. अब इसमें करेंगे क्या हम, देखिए एक टर्म बताते हैं, आपने पढ़ा भी है कुछ रिलेटेड टर्म है, वो अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज इक्वल टू वी अपान एल होता है. वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. और एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इंड्स या टू प्लेट्स कह सकते हैं. और दूसरी चीज है करंट डेंसिटी जे. ये क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया, यानी जे इज इक्वल टू आई अपान ए होता है. तो हमको चूंकि ई लाना है इस प्रूफ में, तो हम करेंगे क्या, वी तो आपका इस साइड में है ही है, एल आप इधर से इस साइड में ले आइए और आई को उस साइड में भेज दीजिए. तो बचेगा एम अपान एनी स्क्वायर टो, और ये आपका आई उस साइड में जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आई अपान ए अपान एल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई. और ये जो आपका टर्म है एम अपान एनी स्क्वायर टो, ये है वन अपान सिग्मा. ये आपका कंडक्टिविटी है. वी अपान एल के प्लेस पे आप लिख देंगे ई, यहां हो जाएगा आपका वन अपान सिग्मा, और आई अपान ए के प्लेस पे हो जाएगा आपका जे. तो ये आ जाएगा जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई. और इसकी जो वेक्टर फॉर्म है जे इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है बेटा, ये आपने ओम्स लॉ की हेल्प से देखा करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन. हाँ, तो बेटा आप लोगों ने देखा करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, और इसी रिलेशन को हम और आगे ले जाते हैं. एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अब आपको बताते हैं इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, ये जो आपने कंडक्टिविटी सिग्मा लिखा है, ये जो है ये क्या है, ये जो आपकी रेसिस्टिविटी है उसका रेसिप्रोकल होता है. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वन अपान कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू वन अपान रो. तो आपका जो ये रिलेशन आया था जे इज इक्वल टू कंडक्टिव, जो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये आपकी रेसिस्टिविटी है. आप इक्वेशन वन से लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा के प्लेस पे आप लिख देंगे वन अपान रो इंटू ई. तो ई इज इक्वल टू रो इंटू जी. ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में रिलेशन. ये भी विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ था, उसी का आगे का टर्म ये था. तो क्वेश्चन वो उससे बहुत सारे बनाते हैं, आप लोग फार्मूले लर्न करते रहिए और इसी टाइप से आपका जो है बनता रहेगा. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो जो आपने अभी पढ़ा, और रेजिस्टेंस आर में रिलेशन. बाय द डिफिनीशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू होता है ई अपान जे. सारा फार्मूले का खेल है, अभी आपको फार्मूला बताया था. ई इज इक्वल टू आपका क्या था, वी अपान एल, पोटेंशियल डिफरेंस अपान डिस्टेंस बिटवीन टू इंड्स. जे इज इक्वल टू आई अपान ए. ये वैल्यू आप पुट करेंगे यहां पे तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा ई के प्लेस पे लिख देंगे वी अपान एल, और जे के प्लेस पे लिख देंगे आई अपान ए. ए आपका ऊपर जाएगा.
आपको मालूम है वी अपान आई एक पास आपने लिख लिया, अभी आपने ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था वी अपान आई इज इक्वल टू आर, तो वी अपान आई के प्लेस पे आप लिख सकते हैं आर ए अपान एल, ये आपका रिलेशन आ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो और रेजिस्टेंस आर में। तो आज जो है आप लोगों ने ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड कई टर्म्स सीखे और सारी चीजें एक दूसरे से कंबाइन है। सबसे पहले आपने सीखा आज की पहली चीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन आपने सीखा, दूसरी चीज आपने सीखी ओम्स लॉ और जो थर्ड चीज आपने सीखी वो करंट डेंसिटी जे और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रिलेशन फाइंड आउट किया ओम्स लॉ की हेल्प से, और जो चौथी चीज आपने सीखी वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में रिलेशन फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, और लास्ट में आप जो पांचवी चीज आपने सीखी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में रिलेशन, ये आपने सीखा। तो आज आपको पांच टॉपिक क्लियर हुए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट मीटिंग में आपसे इसी से रिलेटेड टर्म डिस्कस करेंगे।